हेलो दोस्तों, स्माइली जो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा या नहीं, पर आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं इस तरह की कुछ छोटी छोटी व्लॉग्स करूँ या नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं आइसक्रीम बनाऊँगी, वो भी मेरे डाइट को बिना एफर्ट किए, वो वाला उस तरह की आइसक्रीम बनाऊंगी। और मैंने सोचा था कि आपके साथ भी वो शेयर कर लूँ, ताकि मैं क्या क्या कर रही हूँ वो सब आपको एक बार याद रह जाए या आप भी देख ले। तो मैंने सोचा था कि मैं आज आइसक्रीम बनाऊंगी और आपको भी वो सब दिखाऊंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कभी भी कुछ बनाती हूँ तो क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ या नहीं, प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं इस तरह की व्लॉग बनाऊँ या नहीं। वाह, बहुत सारा पक हो गया है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ वाटरमेलन का आइसक्रीम। तो चलिए किचन में मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दूँगी इस आइसक्रीम बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बहुत ही ईजी सिंपल सा है ना। तो सबसे पहले वाटरमेलन आइसक्रीम बनाने के लिए हमको ज़रूर वाटरमेलन की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ पर एक वाटरमेलन ली हूँ, इसे मैं अभी चॉप कर लूँगी। मैंने यहाँ पर हाफ वाटरमेलन क्यूब्स में कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में, और हाफ यहाँ पर छोड़ दिया है। अगर मुझे लगता है कि यह कम पड़ रहा है तो मैं उसे भी काट लूँगी। अभी मैं इसे इस मिक्सी जार में डाल रही हूँ। इसके अंदर से कुछ सीड्स नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि सीड्स में जो ऑयल होता है वाटरमेलन सीड्स में, वो बहुत ही हेल्दी है, इसीलिए मैं इसे नहीं निकालने वाली। ये पूरा मिक्सी जार भर गया है और मैं इसमें कोई शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डाइट में शुगर खाना उतना अच्छा नहीं होता, तो बिना शुगर ही हम इससे खा सकते हैं। ये वाटरमेलन एक्चुअली बहुत ही शुगरी है, पर जब हम इसे आइसक्रीम की तरह खाएंगे तो शायद इसमें शुगर थोड़ा कम पड़ सकता है, मीठास। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डेट्स ऐड कर रही हूँ। ये 4 डेट्स है, मैंने इसके अंदर का बीज निकाल लिया है। अभी मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। अब मैं इस वाटरमेलन जूस को अच्छी तरह इस बाउल में स्ट्रेन कर लूँगी। कोई कपड़ा या कोई भी स्ट्रेनर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे फाइन लिक्विड नहीं लेना चाहती हूँ, थोड़ा सा प्योर रहने से भी अच्छा होता है, इसीलिए मैं ये स्ट्रेनर से कर रही हूँ। पूरा लिक्विड नीचे लेकर चले जाऊँगी मैं। तो मैंने यहाँ पर मेरा वाटरमेलन जूस निकाल लिया है। ये पूरा लिक्विड की तरह नहीं आएगा, तो थोड़ा प्यूरी भी है। इसमें एक्चुअली मैंने सीड्स सेपरेट कर लिया, और ये रहा वो स्वीट सीड्स और थोड़ा सा प्यूरी जो कि स्ट्रेनर में बच गया। और ये है वाटरमेलन का लिक्विड, इसमें थोड़ा सा प्यूरी भी है बिना इस सीड्स के। तो अभी मैं क्या करूँगी, इस वाटरमेलन के जूस को मैं इस तरह की आइसक्रीम मोल्ड्स में डाल दूँगी। अगर आप चाहते हो तो प्लास्टिक कप्स या नॉर्मल इस तरह की कप्स में भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास ये है इसीलिए मैं डाल रही हूँ। समर में आइसक्रीम खाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर ग्लास की मदद से इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि ईजीली मैं इसमें डाल सकूँ। तो मैं इसे इस तरह फिल कर रही हूँ। मैंने मोल्ड्स में डाल लिया है और थोड़ा सा वाटरमेलन जूस बचा है। मैं अभी इसके ऊपर इस तरह के ढक्कन के साथ आता है ये मोल्ड्स, मैं इसके ऊपर ये वाला लगा दूँगी। अभी हमारा आइसक्रीम बनने के लिए और एक स्टेप बाकी है। अभी मैं इसे फ्रीजर में रख लूँगी। तो आइसक्रीम्स फ्रीज होने के लिए फ्रीजर में चले गए हैं, और मैं उसे थोड़ी देर वैसे ही छोड़ दूँगी, लाइक फ्यू आवर्स, ताकि वो आइसक्रीम की फॉर्म में आ जाए, थोड़ा सॉलिड बन जाए। तो तब तक के लिए मैं यहाँ पर जो बचा है वाटरमेलन का जूस, वो मैं पीने वाली हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। मैंने मेरा आइसक्रीम फ्रीजर से निकाल लिया है, और अभी ये थोड़ा हार्ड रहेगा। इसे निकालने के लिए एक बाउल में आप पानी लीजिए, और इस आइसक्रीम ट्रे को आप इसमें एक बार डुबा लीजिए। अगर आप चाहते तो इसे ऐसे ही बाहर छोड़ दे सकते हैं फ्यू सेकंड्स के लिए, और ये आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो आप टैप के नीचे भी इसे इस तरह रख सकते हैं। तो ये हो गया, मैं अभी इसे निकालने वाली हूँ। तो अभी मैं इसे निकालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये है मेरा वाटरमेलन का आइसक्रीम। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, और स्वीट भी अच्छा है।